दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से FL Studio मोबाइल के अंदर गाने और सैंपल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को FL Studio मोबाइल के अंदर कोई भी सैंपल या गाने को इंस्टॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। जो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद से उसमें लिखिएगा आपको CX फाइल एक्सप्लोरर। कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन दिखाई देगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद से सिंपली आपको इसको ओपन कर देना होगा। ओपन करने के बाद से कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर ये जो लिखा है मिनी स्टोरेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद से जिस प्रकार से आपके फ़ोन में फोल्डर होते हैं, उसी प्रकार से जितने भी सारे फोल्डर होंगे, वो सारे के सारे फोल्डर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप अपने सैंपल को डाउनलोड करके रखें, उस फोल्डर के अंदर आपको चले जाना होगा। तो मैं जो भी सैंपल यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पर ये रहा मेरा सैंपल, जिस फोल्डर और जो सैंपल को मैं अपने FL Studio मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपली हम इस पर होल्ड क्लिक करके रखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कट का ऑप्शन है और मूव का। तो सिंपली हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। तो सिंपली ऊपर देख सकते हैं आपको एक मोबाइल का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको फर्स्ट सेकंड में जो लिखा हुआ एंड्रॉयड नाम का फोल्डर, तो इस प्रकार से आपका एंड्रॉयड नाम का फोल्डर होगा, ठीक है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको फर्स्ट में जो डाटा लिखा हुआ उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर हम लोगों ने क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से आपके सारे के सारे फोल्डर दिखाई देंगे। तो नीचे जो लिखा यूज थिंग्स फोल्डर, ऐसे कुछ लिखा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है और कैंसिल का, तो हम सिंपली अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन हो गए, उन सभी एप्लीकेशन का फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको FL Studio का जो फोल्डर है उसको हम लोग को खोजना है, ठीक है। और जो भी आपका एप्लीकेशन, उसका यहाँ पर कोने में लोगो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने FL Studio का जो फोल्डर है उसको हम लोग खोजते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे, तो देख सकते हैं ये रहा हमारा FL Studio का फोल्डर। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फाइल नाम का फोल्डर दिखाई देगा, तो सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सैंपल मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, और मुझे इस फोल्डर को भी, इस सैंपल को भी इसमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जस्ट हम लोग पेस्ट पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फोल्डर है वो पेस्ट होने लगेगा। पेस्ट होने में कुछ समय लगेगा, तो तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि ये 12% यहाँ पर अभी पेस्ट हुआ है, 13%। तो ये शुरू से लेकर 100% तक जाएगा, तब जाकर आपका ये सैंपल इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। तो जब तक ये पेस्ट होता है तब तक हम लोग यहाँ से वेट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अब इंस्टॉल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये पैक यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, जैसे कि यही फोल्डर था जो हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, ठीक है। फोल्डर के अंदर भी कुछ यहाँ पर फोल्डर थे, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस सैंपल को पेस्ट कर दिया। तो चलिए आप लोग, हम लोग अपने FL Studio मोबाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ये फोल्डर जो हमने अभी इंस्टॉल किया, ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके नाम से एक ही फोल्डर है, दूसरा कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग अपने FL Studio मोबाइल को ओपन करेंगे। तो चलिए हमने अपने FL Studio मोबाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद से देख सकते हैं हमारा FL Studio मोबाइल ओपन हो भी गया। ओपनिंग होने के बाद से हम अब क्या करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और माय फाइल में क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर, देख के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फोल्डर जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया। इसके नाम से कोई दूसरा फोल्डर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो
चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं इसके अंदर सारे के सारे सैंपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी सैंपल को आप अपने FL Studio मोबाइल में आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब लिखते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों को अपने FL Studio मोबाइल में जो गाने होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि FL Studio मोबाइल में कोई भी गाना MP3 में और वेव फॉर्मेट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, MP3 गाना होगा और वेव गाने होंगे तभी इंस्टॉल होंगे। उसके लिए आप कोने पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देखने को मिलेगा, न्यू, सेव और इनपुट। ठीक है, तो हम इनपुट पर क्लिक करेंगे। इनपुट पर जस्ट आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको कोने पर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपका जो फ़ोन होगा उसके यहाँ पर नाम लिखेगा, जो मेरा फ़ोन है Moto G71 5G वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जस्ट हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में आपने MP3 गाने को डाउनलोड करके रखा उस फोल्डर में आपको चले जाना होगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर और ब्राउजर में रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कोई गाना डाउनलोड एथी करना है, लोड करना है, अपने FL Studio मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। तो जो आपके सॉन्ग पसंद आए, जो आप सॉन्ग को इंस्टॉल करना चाहते हैं, गाने को रिमिक्स करना चाहते हैं, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे कि ये मेरा गाना है, ठीक है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सिंपली हम कुछ करेंगे नहीं, केवल इस गाने पर हम लोग क्लिक करेंगे। जस्ट क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं जो गाना था वो गाना के यहाँ पर नाम लिख रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि ये गाना इस फोल्डर के अंदर गया है। तो ये गाना आपका माई सैंपल के अंदर गया है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद से हम लोग चलिए देखते हैं कि जो हम लोगों ने गाने को यहाँ पर इंस्टॉल किया है FL Studio मोबाइल के अंदर, वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑडियो क्लिप पे जाएंगे, माई फाइल में जाएंगे, उसके बाद से नीचे आने के बाद से माई सैंपल में जाएंगे, उसके बाद से नीचे जाएंगे और देखेंगे कि वो गाना हमको दिख रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गाना रहा, ये गाना यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी इंस्टॉल हमने किया, ये कोई गलत बात नहीं है। तो इस गाने पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाना आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी गाने को या किसी भी सैंपल को आसान तरीके से अपने FL Studio मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो इस प्रकार का तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।